हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यु आई एस आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम्स यू हैव न्यू अबाउट सिक्स मंथ्स इन योर प्रीलिम्स एग्जाम दैट मीन्स कि हमारे पास अब टाइम कम है अब प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर दो पेपर अपने हैं जीएस पेपर वन एंड जीएस पेपर टू आई होप ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर योर सेकेंड पेपर दैट इज सी सेट और जब हम बात करते हैं सी सेट के एग्जाम की इन दैट केस हमें पता है कि हमें 33 परसेंट मार्क्स लेने हैं 66.7 मार्क्स लेने हैं बट हमें 66.7 मार्क्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना एटलीस्ट हमें ये मान के चलना है कि हाँ हमें एट्टी टू नाइन्टी मार्क्स लेने हैं ओके okay? अब बात आती है कि उसके लिए हम क्या करेंगे जो जो एग्ज़ाम के अंदर इजी इजी टॉपिक्स हैं और जिनके अंदर से हर बार एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चंस मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट टॉपिक्स ओके okay? तो अब अगर हम बात करें सी सेट के एग्ज़ाम के इजी टॉपिक्स की और यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर पेपर इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर पेपर इन दैट केस आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं एग्जाम के अंदर कि हमें ये लगता है कि ऐसा क्वेश्चन भी हमें सी सेट के एग्जाम में मिल सकता है यूपीएससी के एग्जाम के अंदर इतना इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ओके okay? हाँ और कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट भी मिलेंगे जो आपको ये लगता है कि हाँ काफी डिफिकल्ट पेपर आया हुआ था ओके okay? बट हमें यहाँ पे पूरा ये नहीं है कि हाँ पूरे एट्टी के एट्टी क्वेश्चन हमने पूरे करने ओके okay? हमारा टारगेट है कि हाँ हमें 80 मार्क्स यहाँ पे नियर अबाउट 80 के अराउंड हम यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे कि हाँ हमारे 80 मार्क्स हो जाने चाहिए कवर ओके तो उस केस के अंदर उसके इसके अंदर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और इजी इजी टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको सेलेक्ट करेंगे और उनको प्रिपेयर कर देंगे ओके तो अब देखो आज की इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम उन्हीं पर्टिकुलर एरियाज को फोकस करेंगे कि जहाँ से इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं एंड इफ दीज पार्ट्स आर इजी देन वाई शुड आई मिस दैट पार्ट हमें उसके लिए ऑब्वियसली प्रिपेयर करना चाहिए वी शुड प्रैक्टिस ऑन दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन की हाँ अगर मुझे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले और अगर मेरी प्रैक्टिस है तो मैं क्वेश्चन के और देखते के साथ उसको आंसर कर दू जैसे ही मुझे क्वेश्चन यहाँ पे मिला आई कैन ईजिली आंसर दैट क्वेश्चन ओके तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम सबसे पहले देखें कि जब लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करते हैं यस वेन आई टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग पार्ट तो लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स काफी ज्यादा ईजी होते हैं काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं और हर बार उसमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं ठीक है ना दीज आर लाइक लो हैंगिंग फ्रूट्स तो हमें इनके ऊपर फोकस करना तो पहले तो एक बार मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस बता देती हूँ एक बार सिलेबस पे थोड़ा सा टाइम लगाते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस कोडिंग डिकोडिंग लॉजिकल अल्फाबेट्स देन क्लॉक एंड कैलेंडर सिलोजियम ऑर्डर एंड रैंकिंग सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स अल्फा न्यूमेरिक सीरीज र्थमैटिक रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग काउंटिंग फिगर्स एनोलॉगी एंड क्लासिफिकेशन डाटा सफिशियंसी क्यूब एंड ओके, दिस इज द दिलेबस फॉर लॉजिकल रीजनिंग ओके अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हाँ कौन सा टॉपिक सबसे पहले अगर हम देखें ब्लड रिलेशन यस yes, रेड में मार्क कर रही हूं मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रेड कलर से मार्क कर रही हूँ ध्यान से देख लीजिएगा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की तो एक बार थोड़ा सा अपने माइंड पे सभी ने स्ट्रेस डालना क्या ब्लड रिलेशन हमारे लिए कुछ डिफरेंट है कुछ डिफरेंट है वी ऑल ऑफ अस नो अबाउट द रिलेशंस लाइक फादर मदर ब्रदर सिस्टर सारी रिलेशंस तो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं दैट मीन्स दिस इज वेरी इजी कि हाँ अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे एग्जाम में मिलता है और मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस है इन दैट केस आई कैन इजिली डू तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो सभी ने ब्लड रिलेशन को अच्छे से प्रिपेयर करके यस उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन सेंस की यस डायरेक्शन सेंस तो क्या हम डायरेक्शन सेंस हमारे लिए कोई एक नया टॉपिक है हाँ जी जल्दी से बताइए क्या डायरेक्शन सेंस आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक है इन डेली लाइफ वी ऑलवेज गो थ्रू सम डायरेक्शंस लाइक अगर आप ऑफिस जा रहे हो आप स्कूल जा रहे हो या आप कहीं पे भी जा रहे हो मार्केट जा रहे हो सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं इन दैट केस हमें पता है कि हाँ हम सीधे जा रहे हैं वहां से मुझे लेफ्ट जाना है तो मुझे किधर टर्न करना है फिर मुझे अगर राइट जाना है तो मुझे किधर टर्न करना है तो यही तो थोड़ा सा है कि हाँ जी लेफ्ट है राइट है ठीक है कैसे मुझे वहां पर टर्न करना है तो वही छोटे छोटे जो जो पॉइंट्स हैं कि अगर मैं नॉर्थ फेसिंग हो तो मेरा लेफ्ट किधर जाएगा अब जैसे मेरा फेस यहाँ पे है तो इस टाइम पे मेरा राइट इधर है तो मेरा लेफ्ट इधर है अगर अब ये मेरा राइट है ठीक है देखिए ध्यान से ये मेरा हैंड राइट हैंड है अब अगर मैं टर्न कर जाती हूँ तो मेरा राइट हैंड किधर चला गया अब इधर चला गया ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर इस पर थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इन दैट केस डायरेक्शन पे आपको वन टू टू क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं यस yes, हर बार वन टू टू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं सो डायरेक्शन सेंस अगेन इम्पोर्टेंट है एंड यू कांट स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग इज अगेन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है बट अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है आपको बताइए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मीन्स यू कैन से कि फ्रॉम द फर्स्ट क्लास जब हम फर्स्ट क्लास में स्कूल में जाते हैं तब से हमें क्या कराया जाता है ए बी सी कराया जाता है है ना अल्फाबेट्स कराए जाते हैं ना हमें यहाँ पे मेन क्या है अल्फाबेट्स ही हैं अल्फाबेट्स और हम कैसे सीखते हैं ए बी सी डी वहां पे क्या होता है ए फर्स्ट नंबर पे बी इज एट सेकेंड पोजिशन सी इज एट थर्ड पोजिशन डी इज एट फोर्थ पोजिशन बस थोड़ा सा डिफरेंट वे से अब हमें करना है एंड यू विल से कि हाँ दिस इज वेरी इजी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो तो डिकोडिंग डिकोडिंग से भी आपको यहाँ पे हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलता है हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलता है कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट इज क्लॉक एंड कैलेंडर अब जब मैं बात करें क्लॉक एंड कैलेंडर की आप ये देखो किस घर में आपको क्लॉक नहीं मिलेगी या फिर कैलेंडर नहीं मिलेगा ऑल ऑफ यू हैव क्लॉक एज वेल एज कैलेंडर इन योर होम है ना सभी के घर में क्लॉक और कैलेंडर होते हैं और डेली हम इसके थ्रू गो थ्रू होते हैं ठीक है डेट से हम डेली गो थ्रू होते हैं है ना इसी तरह से टाइम थोड़ा सा ध्यान देना कि जब हम इस बार टाइम जब भी हम टाइम देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना यस आई हैव थ्री हैंड्स क्लॉक वन इन मिनट हैंड आर हैंड सेकेंड हैंड और वो कैसे मूव कर रहे हैं कितने कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं सिंपल कुछ नहीं करना अगर एक बार घर पे भी आप बैठे हो उस टाइम पे थोड़ा सा घड़ी की तरफ देखना और उसको ध्यान से एनालाइज करना आप देखोगे कि वहीं पे सारे के सारे आपके आंसर्स निकल के आ रहे हैं खुद से ठीक है जैसे आपके बुक में आपको जैसे हम आपको करा रहे हैं ठीक है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अपने क्लॉक को साथ में रख के बैठेंगे तो आप देखोगे कि हाँ यस दिस इज वेरी इजी इसको हम डिफिकल्ट मान के चल रहे थे काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है क्लॉक एंड कैलेंडर बट मैं ये कहूंगी कि सबसे इजी पार्ट है क्लॉक एंड कैलेंडर बिकॉज हम डेली लाइफ में उसके देखते हैं ठीक है ना तो जो भी टॉपिक्स आपकी डेली लाइफ से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट हैं इम्पोर्टेंट हैं और हमें उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है देन सिलोजियम दिस इज अ डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं ये नहीं कहूँगी कि इंपॉर्टेंट ने सिलोजियम इज डि इम्पोर्टेंट ठीक है diff, uh, थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है इसको समझने में ठीक है बट दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक बट अगर हम यहाँ पे इन चार टॉपिक्स की बात करें तो दिज ऑल आर इन आवर डेली लाइफ बेस्ड टॉपिक्स, ओके? Okay? अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग की हाँ जी ऑर्डर एंड रैंकिंग अगेन यहां पे आप देख सकते हो ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में या जैसे हम लोगों को अरेंज करते हैं अब अब जैसे अभी आप देखोगे कि आपके वैन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी एग्जाम और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम इन दैट केस आपको खुद का ही देखो आपके यहाँ आपके जो टेबल्स हैं टेबल के ऊपर आपने क्या देखा कि बहुत सारी बुक्स हैं और उन बुक्स को आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करो कि नहीं अगर मेरी प्रॉपरली अरेज नहीं है बुक तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा ठीक है अपने नोट्स को आप अरेंज करते हो ठीक है अरेंजमेंट भी अगेन हमारी डेली लाइफ का पार्ट है और अरेंजमेंट से रिलेटेड लास्ट ईयर अगर हम देखें ट्वेंटी टू के पेपर के अंदर देयर आर थ्री टू फोर क्वेश्चन फ्रॉम अरेंजमेंट बेस्ड Okay? अब वो अरेंजमेंट कैसे भी हो सकती है वो बुक्स की अरेंजमेंट हो सकती है वो आपके पास लोगों के अरेंजमेंट हो सकती है और अरेंजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे इस अरेंजमेंट को यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो और आप यू कैन से दिस इज ऑर्डरिंग ओके तो यहाँ पे ऑर्डरिंग और बोथ आर इंपॉर्टेंट डन दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहां पे ध्यान रखेंगे स्पेशली जो अभी मैंने आपको रेड मार्क करे इनमें से तो आपको हर बार क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे डन उसके बाद न्यूमेरिक सीरीज न्यूमेरिक सीरीज भी इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है एंड इफ यू गो थ्रू दीज टॉपिक्स लाइक अगर मैं कहती हूँ अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अल्फाबेट्स को अच्छे से कर लिया है इस वाले पार्ट को ठीक है इन दैट केस दिस विल अगेन बिकम ईजी फॉर यू ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा तो अब जब आप कर रहे हो कोडिंग एंड डिकोडिंग तो इसलिए पहले आपको अल्फ़ाबैट्स करना है ठीक है अल्फाबैट के बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग करोगे उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करोगे ओके इवन एनालॉगी और क्लासिफिकेशन के ऊपर भी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके अल्फ़ाबैट से रिलेटेड आ जाते हैं अल्फाबेट से रिलेटेड आ जाते हैं तो अल्फाबेट के ऊपर तो सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कि हाँ जो अल्फाबेट्स हैं उनकी पोजीशनिंग क्या है फॉरवर्ड पोजीशनिंग क्या है बैकवर्ड पोजीशनिंग क्या है ठीक है कैसे वो वारी कर रहे हैं क्या क्या यहाँ पे लॉजिक्स बन सकते हैं सारा आपको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं ओके अर्थमेटिक रीजनिंग ये मैंने क्वांट के अंदर आपका सिंप्लीफिकेशन के अंदर कवर कराया है सारा सिंप्लीफिकेशन वहाँ से आपको इसके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे ओके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आजकल लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में नहीं आते क्रिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट था लाइक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट ओके एजम्पशन वो जो टाइप के क्वेश्चन थे दे आर नाउ इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर उस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए ठीक है ना इस तरह से डाटा सफिशियंसी दिस इज नॉट ए टाइप डाटा सफिशियंसी से आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी मिल सकता है डायरेक्शन सोन्स का क्वेश्चन भी मिल सकता है ये सारे क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में मिल सकते हैं डाटा सफिशियंसी के फॉर्म में मिल सकते हैं तो डाटा सफिशियंसी को आपने अलग से कुछ नहीं हो करना आप जब ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक्स कर रहे होगे तो उसी टाइम पे डाटा सफिशियंसी की जो टाइप है वो वाली टाइप भी साथ में आपने प्रैक्टिस कर लेनी है तो ये टॉपिक आपका साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगा तो यहां पे हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इजी पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का अब आप कहोगे कि लॉजिकल रीजनिंग इजी पार्ट तो है मैम तो क्या हमारे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में हमें मिल सकते हैं ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड कि हां कितने क्वेश्चन मुझे मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग के तो यहां पर मैं आपको दिखा देती हूं यस आई हैव द फुल एनालिसिस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग पार्ट इन यू हैड ट्वेंटी फोर क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग अब देखिए यूपीएससी है पैटर्न चेंज होता रहता है कभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल गए तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन कम मिल रहे हैं बट लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे एग्जाम में मे बी दान्स ना ओके कोई ऐसा नहीं है कि हाँ अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ज़्यादा आ रहे तो लॉजिकल रीजनिंग के कम मिलेंगे देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी किस बार क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के आपको कम क्वेश्चन एग्जाम में मिले लॉजिकल रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग के जो सारे इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने जो अभी आपको बताया सभी अच्छे से प्रिपेयर करने सब ओके यस सिक्सटीन के अंदर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन थे टू थाउजेंड सेवेंटीन देर वर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन एटीन देर वर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन इन एग्जाम इन टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी फोर क्वेश्चन ट्वेंटी देर वर फोर्टीन क्वेश्चन अब यहीं पर देखिए यहाँ पे फोर्टीन थे फिर पे क्या आ गया इसमें है ना सेम वे अभी फिफ्टीन थे नाउ देयर आर चांसेस के हाँ आपको ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन भी मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के ओके सो बी प्रिपेयर फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम डन आई होप सभी को क्लियर है कोई भी माइनर सा डाउट अगर आपको आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन देखिए अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं इन दैट केस दिस बिकम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको हर एक स्टेप पे हम आपको गाइड करें ठीक है कोई भी क्यूरी होती है आपकी तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना है ठीक है अब उसके बाद में अगर हम देखें कि अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर करना है काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको लॉजिकल रीजनिंग अब सभी के माइंड में आते हैं कि मैम देखो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से कोई डाटा उठाते हैं तो अभी हमारे पास में इतना टाइम नहीं है हमारा इतना वास्ट में सिलेबस है हमें जी एस बी प्रिपेयर करना है हमें अपना आ, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी प्रिपेयर करना है ठीक है ना ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है तो उस केस के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक टॉपिक को हम अलग अलग जगह से सर्च करें तो उसके लिए देखो अभी जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है ऑन दैट पोर्टल वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल द कंटेंट्स ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म ओके हाँ अगर आपको सिंपल लॉजिकल रीजनिंग भी चाहिए अगर आप कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट यहाँ पे अगर मिल जाता है तो वहां से आप लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी ले सकते हो सी सेट के लिए यहाँ पे लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवाया यही सेम लिंक आपको आ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से गो थ्रू हो सकते हो जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आप मैंने आपके साथ में पूरा कवर किया है देर आर सिक्स टू वीडियो लेक्चर्स बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग ओके एंड आर आर सिक्सो अवेलेबल इसके अलावा आपको एट फोर्टी फोर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल रहे हैं सो आई होप अगर आप इतना कर लेते हो इन दैट केस आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी पार्ट

Thank you.